पता था WDP3A कुछ ऐसा करके एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि देखो ट्रेन जो होता है, जो इंजन होगा अलग अलग सीरीज का बना हुआ है, मतलब अलग अलग कोडिंग उसका किया हुआ है। जैसे कि जिसमें आप समझिए कि ये क्या है, WDM सीरीज, पहला आपका क्या है WDM सीरीज, ये आपका हो गया। अब इसमें समझना क्या, ये W आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड गेज के लिए हो जाएगा। क्लियर है आपको ये? अगर यहाँ पे आपका S रहता तो हम क्या, ये क्या हो जाता, स्टैंडर्ड गेज। ठीक, अगर यहाँ पे S रहता, W की जगह पे अगर S रहता तो वो क्या हो जाता, स्टैंडर्ड गेज। अब जैसे यहाँ पे D है तो ये हो गया क्या हमारा, डीजल ड्राइव। क्लियर, अगर यहाँ पे A रहता तो इसका मतलब था कि वो AC ट्रैक्शन था, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो। अब जैसे ये M है तो अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया, यहाँ M जो है इसका मतलब हो गया मिक्स्ड ट्रैफिक। मिक्स्ड ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, आपका पैसेंजर भी होगा और क्या बताइए जल्दी से, गुड्स ट्रेन भी होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ आपका P लिखा हुआ रहता, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ इसके जगह पे आपका P रहता तो इसका मतलब क्या होता, पैसेंजर, सिर्फ पैसेंजर के लिए होता। तो ये आपको अलग अलग मैं बता रहा हूँ कि ये सीरीज, तो ये पहला सीरीज था जिसमें कि WDM सीरीज है। तो W से हमारा क्या हो गया, ब्रॉड गेज, D से हो गया डीजल ड्राइव, M से हो गया मिक्स्ड ट्रैफिक। अब समझिएगा कि आपको कुछ इस तरह से रेलवे के इंजन जो होंगे, रेलवे इंजन के पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा WDM2 समथिंग ऐसा करके। तो इसका मतलब क्या होता है, आप इसलिए निकाल सकते हैं, W का मतलब क्या हो गया बता दीजिए ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल, M का मतलब मिक्स ट्रैफिक। अब ये दो का मतलब क्या हो गया, जो मैं सीरीज का बात कर रहा था उसमें आइए, ये दो आपका क्या इंडिकेट करता है, पावर कह सकते हो। तो दो हमारा कितना हो गया, पावर मतलब कितना, मोटर का कितना रेटिंग है आप ऐसा कह सकते हैं। तो दो हमारा जो ये दो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, 2000 HP है। क्लियर, तो हमारा ये दो क्या इंडिकेट कर रहा है, 2000 HP। अब इसी का आगे हम देखते हैं कि WDM3A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, W आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए ब्रॉड गेज, D डीजल, M मिक्स्ड, है ना। और ये आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 था तो 2000 HP, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 3000 HP, 4 रहेगा 4000 HP, 5 रहेगा 5000 HP, ये मतलब हो गया इसका। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, एक सफिक्स लगा दिया इसने, तो ये सफिक्स A का मतलब क्या हो गया, 100 HP। अगर इसके जगह पे B रहता तो क्या होता, 200 HP। अगर C रहता तो 300 HP, D रहता तो 400 HP, 400 HP कुछ इस तरह से आपका रहता। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से कुछ इंडिकेट करता है कि रेटिंग, कि कितना पावर का या कितना आपका HP का हमारा मोटर है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सर, ABCDR यूज टू डिनोट एक्सटेंडेड कैपेसिटी ऑफ लोको, जो लोकोमोटिव होगा उसका एक्सटेंडेड कैपेसिटी होगा ये हमारा। ठीक, तो ये हमारा 3000, और अगर बढ़ गया है उसका कैपेसिटी बढ़ाना है तो हम अलग से सीरीज में लगाए हैं और वहाँ पे क्या कर दिए, 100 HP।